हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत टमटा स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल टमटा फैंस में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, बहुत टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं नया आउटलेट खुला है और दिवाली से मैं वहीं पर ही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आपको कैसे बताऊँ, काम उतना नहीं है पर लेकिन इतना ज़्यादा फंस चुका हूँ कि मतलब टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का। जबकि मन तो बहुत होता है कि यार मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है रोज़ किया मुझे वीडियो बनाना है। पर जिस दिन से वहाँ आउटलेट खुला है जब से मैं बिल्कुल भी मतलब वीडियो नहीं बना पा रहा। आज मैं थोड़ा जल्दी आ चुका हूँ और भानु बना रही है खाना, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग भी हो जाए और कल मेरी छुट्टी है इसलिए आराम से रात को एडिट भी कर लेंगे और अपलोड भी कर देंगे, तो सुबह आराम से उठ जाएंगे और आपके लिए वीडियो भी बन जाएगा। तो यार दोस्तों लेट वीडियो के लिए सॉरी बोलता हूँ और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाते रहूँगा और कोशिश करूँगा कि यार मेरे को जल्दी से जल्दी टाइम मिले और मैं अपने ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल और सभी उत्तराखंडी भाई बहनों, मेरे पहला मैं बोला टमटा, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टमटा फिल्म में। जैसे कि दोस्तों आप जान के कि भानु आज बना रही थी कुछ स्पेशल, तो मैंने सोचा चलो घर जल्दी आ गए हैं, सूट भी कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ कि यार घर में चल क्या रहा है। पापा गए हुए गाँव क्योंकि हमारे भैया की लड़के की शादी है, तो पापा उसके लिए घर गए हुए, तो अब घर में हम ही तीन हैं, मैं भानु और मम्मी। तो चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं भानु क्या बना रही है। हेलो भानु। हेलो। क्या बन रहा है आज? बन रहा है फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस और चिकन फ्राइड राइस चिकन सूप और चिकन सूप। तो दोस्तों भानु ने ये किससे सीखा? आपसे आपसे सीखा चिकन बनाना और सूप बनाना। आप देख सकते हैं यार लग तो बड़ा प्यारा रहा है, आई होप खाने में भी उतना ही प्यारा हो। तो आज कैसे मूड बन गया आपका इतना प्यारा प्यारा खाना बनाने का? ओह मैं रोज ही प्यारा खाना बनाती हूं। ऐसा चाइनीज नहीं मिलता ना खाने को? ये आज मैं छुट्टी थी इसलिए मैंने आज चाइनीज फूड बनाया, क्योंकि मैं चाइनीज हूं इसलिए। और ये क्या बनाया है आपने? चिकन सूप। और दोस्तों भानु और ये किससे सीखा? ये भी आपसे ही सीखा है मैंने। नहीं, सब मुझे आप ही सिखाते हैं, यहाँ पे तो सच्चाई बतानी पड़ेगी। ये सीखा हमने पापा जी से। तो भानु हो रखी आज मेहरबान और आज मिल रहा बढ़िया बढ़िया खाने को, तो थैंक यू भानु। तो पार्टी करा दी तूने, घर आए और ऐसा स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसे रेस्टोरेंट टाइप का थोड़ा चाइनीज है ना, फ्राइड राइस और विद चिकन सूप, आ मजा ही अलग है। तो भानु ने सूप सीखा है पापा से और ये फ्राइड राइस तो ऐसे ही सीख लिया है, क्योंकि तो हम खुद ही यूट्यूब पे देख के बनाते, तो भानु ने भी ट्राई करा और भानु ने भी बहुत ही बढ़िया बनाया, अभी खा के भी बताएंगे कैसा हो रहा है। देख सकते हैं भाई फ्राइड राइस का तो मैं तो अकेले ही खा जाऊँगा सारा। नमक डाल रहे हैं भानु, स्वाद अनुसार नमक डालिए आप लोग भी और आप खुद बना सकते हैं, हम तो आपको नहीं बोलेंगे आके खा लीजिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ तो दोस्तों आज तो मौज हो गए, एक तो ठंड ऊपर से यार ऐसा खाना और ऐसे सूप वूप मिल जाए तो मजा ही अलग है। ठंड में बाहर से और सुकड़ते हुए और ऐसे चिकन सूप मिल जाए पीने का मजा ही अलग है। और सीरियसली दोस्तों भानु ने बिल्कुल पापा के जैसे स्टाइल में बनाया, उनको टेस्ट भी वैसे ही आ रहा है। और फ्राइड राइस तो खाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, कब ये थाली में आएगा, कब मैं खाऊंगा, क्या बताओ यार। वैसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि मैं तो फूड लवर हूँ यार, मेरे को तो ऐसा खाना दिख जाए तो मैं तो बो ही जाता हूँ। और आपको दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो मम्मी यहाँ पे बैठी है, क्या कर रहे हो? टीवी देख रही हूँ। टीवी में क्या देख रहे हो? बिग बॉस। ठंड लग रही है? हाँ। सूप पिया जाएगा फिर? पियेंगे। क्या पियोगे? सूप। कौन सा वाला? चिकन का। चिकन का। बानू मम्मी को 50 रुपए वाली कप लाओ सूप का। 50 वाली प्लेट। और पापा को मिस कर रही हो? हाँ। क्या बोलोगी पापा को? क्या बोलूं? हाय। हाय। और बोलूंगी सूप पी रही हूँ, तुम्हारी याद आ रही है। आई लव यू। है बोलो आई लव यू। बोल आई लव यू। बोल आई लव यू। हाँ पापा ये वीडियो देखेंगे तो आई लव यू टू बोल देंगे। तो मम्मी ने पापा के लिए मैसेज भेजा क्योंकि सूप तो पापा ही बनाते, तो मम्मी ने पापा के लिए मैसेज भेज दिया है और आई होप कि पापा कल सुबह ये वीडियो वहाँ देखेंगे जब घर पे, क्योंकि मेरी कल छुट्टी है तो आराम से आज मैं एडिट कर सकता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों कोशिश कर रहा था मैं वहाँ पे बनाने की, पर पता नहीं कि छोटा सा झिझक अभी मेरे अंदर हो जाती है
कि पता नहीं क्यों मैं चार लोगों को देख के वीडियो पब्लिक प्लेस में नहीं बना पाता हूँ, और पता नहीं क्यों होता है मुझे नहीं पता, पर आई होप मैं कोशिश तो करता ही रहूँगा और जल्द से जल्द मैं ऐसे पब्लिक में जाके वीडियो शूट कर पाऊँ और मुझे ऐसे कुछ झिझक ही ना हो, क्योंकि कोई हंसता है तो बड़ा अजीब सा उसमें लगता है। मुझे पता है ये बहुत मेहनत का काम है, पर आप लोग ऐसे प्यार देते रहोगे मेरे वीडियोज़ देख के और ऐसे ही आप मेरे वीडियो को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो यार दोस्तों फिर तो मैं पब्लिक प्लेस क्या कहीं भी चला जाऊँगा और बहुत जल्द ही मैं। और ये देखो सूप आ गया मम्मी के लिए, तो भानु ले जा रही है मम्मी के लिए सूप, तो हम आपको दिखाते हैं गरम गरम सूप, और मम्मी का सूप आ गया यहाँ पे। थैंक यू। और ये मम्मी के लिए सूप आ गया 50 रुपए प्लेट। धन्यवाद। ये दिखाओ उनको मम्मी। ये लो देखो। हाँ, ओए ओए। मजा आ रहा है। तो चिकन विद कॉर्न और अंडा भी है इसमें। हाँ। तो दोस्तों मम्मी के तो हो रहे मजे, बड़े मजे से सूप पिया जा रहा है। तो लो जी सूप के चस्के लो, आप मजे लो सूप के, पी के बताओ फूक मारो और कैसा हो रहा है, टेस्टी बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों मम्मी को तो मजा आ गया और कह रही है वही टेस्ट है जो पापा के हाथ का है, तो मतलब भानु सीख ही गई है। और सूप तो मेरा फेवरेट है तो आपको पता ही है, मैं भी तड़प रहा हूँ पीने के लिए। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आप लोग ऐसी वीडियोस को प्यार देते रहना, मैं पब्लिक प्लेस क्या हर जगह जाके वीडियो शूट कर लूँगा। तो अभी आज मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम पुराने रेस्टोरेंट गए थे तो फ्री बैठे हुए थे, तो मुझे लगा है चलो मैं एक वीडियो बना लूँ। संडे का दिन था, खाली था, एकाध लोग घूम रहे थे, एकाध क्या घूम रहे थे, इनफैक्ट वो मेरे ऑफिस के ही थे, तो लेकिन मैं कोशिश तो किया पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें देख के रहा, मतलब मैं कर नहीं पाया और मुझे ऐसा लगा यार ये लोग देख रहे हैं हंसेंगे, तो पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। बस फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा था, लेकिन आज पता चला जितने भी यूट्यूबर वीडियो शूट करते हैं बाहर वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। मतलब आपको लोग जब हम नॉर्मल वीडियोस कॉल करते हैं तो हमें बहुत ईजी लगता है, पर पता नहीं क्यों जब हम वीडियो शूट करते हैं तो हमें क्यों पता नहीं ऐसा लगता है क्या हम मतलब लोग देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल हम वीडियो कॉल पब्लिक प्लेस में करते हैं तो हमें फिर कुछ भी बुरा नहीं लगता क्योंकि पता है हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, पर हम वीडियो शूट करते समय पब्लिक को तो पता नहीं होता क्या कर रहा है, पर ऐसे फील पता नहीं क्यों अपने आप ही ऐसा हुआ जो नहीं हो पाया मुझसे। तो आज मुझे लगा कि यार हाँ ये मतलब वीडियो ब्लॉग बनाना, मोटो ब्लॉगिंग नॉर्मली बाइक पर होती है और घर में भी नॉर्मली हो जाता है, तो छत पे भी वैसे मैं चला जाता हूँ, लेकिन आज पता चला चार लोगों के बीच में कितना मुश्किल होता है काम। तो हैंड्स ऑफ है उन सभी यूट्यूबर को जो ऐसे पब्लिक प्लेस में वीडियो सुनाते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट लेके आते हैं, तो यार मैं सलाम करता हूँ दिल से और कोशिश करूँगा क्या मैं भी जल्द से जल्द ऐसे इतनी हिम्मत मेरे को भी मिले और मैं भी पब्लिक प्लेस में आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो शूट कर पाओ। तो यार दोस्तों आप ऐसे ही प्यार देना है चैनल पे, ऐसी मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप जितना मुझे प्यार दोगे मेरी हिम्मत उतनी बढ़ेगी और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ऐसी नॉर्मली वीडियो जैसे कहीं भी मैं भी खड़े होकर आप वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँ बिना लोगों के झिझक के बिना शर्म के, और मैं बस इतना याद रखूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और आप ऐसे मुझे प्यार देते रहेंगे तो मैं आई होप कि जल्द से जल्द कोशिश करूँगा और ऐसे आगे बढ़ूँगा। तो भानु लेके आ गई है सूप, और ये तो मैं राम लड्डू, ये मेरे, और ये भानु ने कैसे बनाया मैं हैरान हो गया हूँ। ये भानु ने कैसे बनाया, ये भानु ने मतलब क्या बोलूं मैं, भानु ने तो हिला के रख दिया दोस्तों। तो यार देखते हैं राम लड्डू, तो ये देखो राम लड्डू, घंटी बज गई घंटी, ने सही कहा बीबी से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। आहा, दो तीन दिन से राम लड्डू खाने का एकदम मन कर रहा था, मेरा फेवरेट है, ज्यादातर तो लोगों को पता नहीं भी। खाना भी खाना है। थैंक यू राम लड्डू बनाने के लिए। धन्यवाद। मैडम कैसा लग रहा है ठंड में यहाँ पे, वहाँ का एहसास हो रहा है गर्मी का एहसास, वहाँ चला जाता है ठंड में यहाँ चलता है ठंड में, दोनों जगह अच्छा लगता है। सूप पी ले तू सूप। पापा को क्या कहेगी, मिस यू पापा।
पापा ऐसा सूप, और पापा मैंने आपके जैसे सूप बनाया। देखो आप कैसा सूप बनाया। आज फर्स्ट टाइम बनाया और हमने पिया, पापा ने नहीं चखा। पापा गांव में है, कोई नहीं, पापा आएंगे फिर पापा को पिलाएंगे। हाँ, फिर पापा आज पापा पिलाते थे बना के, मैं सीख गई तो मैं बना के पिलाऊंगी। अब अभी सूप पी लेता हूँ थोड़ा, इस सूप के लिए तो तड़प रहा था मैं, तो थोड़ा सा सूप पिया जाए। शेफ लोग की होती है ना, बड़े शेफ लोग की। तो दोस्तों ये देखिए भानु ने, यार मजा आ गया, जैसा पापा ने बनाया था जी भानु ने सेम टू सेम बनाया। मिस यू पापा, आपके हाथों का सूप मिस कर रहे हैं हम लोग, और आज भानु ने बनाया है तो थैंक यू भानु को सिखाने के लिए। और भानु ने ये सूप बनाया है, और टेस्ट बताते हैं। वैसे तो मुझे पता नहीं, चख लिया फिर भी। पापा आप पीते तो आपको भी मजा आ जाएगा, आप भी कहोगे यार मजा आ गया। कल आप ये वीडियो जरूर देखोगे क्योंकि वहाँ वो लोग दिखाएंगे। अभी हम आज मैं रात को इसे आराम से एडिट करूँगा बैठ के भी। मजा आ गया। थैंक यू बालू, थैंक यू। मेरा गिफ्ट कहाँ फिर? गिफ्ट कहाँ मेरा है? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। सिखाया किसने था? पापा ने। तो पापा चले? क्यों? मैंने तुम्हें पिलाया ना बना के, तुम हाँ दोगे? पापा ने तो ना पिलाया। तो सिखाया तो पापा ने? पापा को मैं दूंगी। पापा ने सिखाया। हाँ ये बात है। तो तुमने पिया तो तुम मुझे दो। तो मैं भी जब तू देगी पापा को गिफ्ट, तब मैं भी दे दूंगा। पापा से लेके मुझे दे दोगे वापस? मजा आ गया, मजा। मम्मी का पेट, मम्मी कह रही है मेरा पेट भर गया, तो मम्मी सोने जा रही है। देखो दोस्तों क्या मजेदार सूप है। देखो भाई बाहर ये सूप कम से कम 400-500 रुपए का मिलेगा, हमारे यहाँ फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? चिस्टी पेट भर गया, पेट भर गया। खाना नहीं खाना? खाना भी खाएंगे थोड़ी। अच्छा थोड़ी थोड़ी जी। दोस्तों सच में सूप बहुत टेस्टी हो रहा है यार, मजा आ गया पी के तो। और पापा को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी ऐसे कुछ बनाते तो अच्छा लगता है, हम सब साथ होते हैं। तो अभी पापा घर गए हुए, तो अभी हम तीन ही लोग हैं घर में, तो उनको भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लगता है सब साथ ही खाते पीते हैं। तो अभी चलो कोई नहीं, 4-5 तारीख तक पापा आ जाएंगे, फिर भानु के हाथ का सूप पियेंगे गरम गरम। तो वेट करना आप, वीडियो जल्दी आएगी। और मेरे वीडियो लेट आ रहे हैं, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया। तो आप लेकिन ऐसे प्यार देते रहिए चैनल को, और मेरे वीडियोज़ को ऐसे सपोर्ट करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे प्यार देते रहिए। और अभी थोड़ी देर में हम आपको खाना भी दिखाएंगे अपना, टेस्टी टेस्टी क्या फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। अच्छा लग रहा आपको सूप? यार मजा आ गया, दिल से बता रहा हूँ। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए होते ना झूठ बोलने के, तो फिर ओ एम जी, एक तो पी भी रहा है, चटकारे ले लेके, ऊपर से बोल ले झूठ बोलने के। कैसे लग रहा है आपको मैंने बनाया सूप? लुक एट गाइस, देखो कितना मस्त लग रहा है। भाई साहब जबरदस्त, ये गया मुंह के अंदर, ये आत्मा तृप्त हुई। यम यमी। क्या खा रहे हो? चिकन फ्राइड राइस। शुरू हो गए। तो दोस्तों आप खाना खाने के बारे आ गए, और जो हम खा ही रहे हैं। और मम्मी कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो दोस्तों चिकन फ्राइड राइस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलो खा के आपसे मिलते हैं हम लोग, और आप लोग भी बताना कैसा बना है, तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ तो दोस्तों खाना वाना खा के हम तो हो गए टाइट, खाना हद से ज़्यादा खा चुके हैं, यकीन नहीं मानोगे इतना ज़्यादा खा लिया है कि मतलब अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। भानु ने इतने प्यार से खाना बनाया, हम लोग खा पी के फुल हो गए हैं। भानु ने कुछ ज़्यादा ही प्यार से सीख लिया पापा से, शायद इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा खा लिया।
और सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था, मज़ा आ गया खा के, तो दिल खुश हो गया। खासकर आप जब थक के आओ और दिन भर आपको भूख लगी हो और आपको घर आके कुछ ऐसा मिल जाए खाने को जो एक तरीके के आप मार्केट टाइप का होता है, रेस्टोरेंट टाइप, मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप का मिल जाए तो यार टेस्टी, मतलब बात ही अलग है। मज़ा आ गया, खूब ज़्यादा खा लिया, और क्या नहीं खाया, मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब तो सांस ली भी नहीं जा रही है, जो भी था जितना भी थक थक के आए थे सब थकान ख़त्म हो गई एक प्यारा सा अच्छा सा खाना खा के, और मज़ा आ गया। तो दोस्तों ऐसी था कुछ आज का दिन, कोशिश करूँगा कि यार दोस्तों मैं जल्द से जल्द अब ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ जैसे ऐसी फैमिलीज के साथ। मेरा दिल है, खुद से चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी 1000 यूट्यूबर फैमिली हो जाएगी और मैं उन सबको अपना उत्तराखंड दिखाऊँगा, उन्हें वहाँ के बारे में बताऊँगा, उन्हें वो जगह दिखाऊँगा, खुद से बहुत ज़्यादा मन है दोस्तों। मेरे को प्यार करेंगे उतने ज़्यादा मुझ में हिम्मत आएगी दोस्तों, और मैं उतनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा अपने ये वीडियो के जो भी है चीज़ों को। नहीं तो पता नहीं क्यों मेरे को आज ऐसा लगा था जैसे कि यार ये नहीं हो पाएगा और मैंने बंद कर दिया, तो मैं नहीं चाहता था कि अब मैं नहीं चाहता कि ऐसा मेरे साथ हो दोबारा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोस्तों मैं नॉर्मली कहीं भी वीडियो बनाऊँ और अच्छे से बनाऊँ, खुल के बनाऊँ और बेझिझक हो के बिना टेंशन के। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करो और ऐसे प्यार करो यार, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा चैनल को प्यार करोगे, मुझ में ऑटोमेटिकली उतनी हिम्मत आएगी और मैं अच्छे खुल के वीडियो शूट कर पाऊँगा। तो ऐसे ही था आज का दिन छोटा सा। दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताया करो, मैं आपका वर्ड टमटा ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और अब रात हो गई है तो आप लोगों को गुड नाइट, और आप ऐसे ही वीडियोस देख के एंजॉय करते रहिए, और मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, और ऐसी चैनल को प्यार करते हैं, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा। तो चल दो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।